दोस्तों नई वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। तो भाई ये देखिए स्क्रीनशॉट, और इसमें लिखा हुआ है शिवा सिंह लिखते हैं कि थैंक्स सर, मेरी स्कॉलरशिप आ गई है, आज रात चेक किया पीएफएमएस पर शो हो गई है, मैं फर्स्ट ईयर जर्नल का स्टूडेंट हूँ। तो भाई जर्नल का स्टूडेंट की फर्स्ट ईयर वालों की स्कॉलरशिप आना शुरू हो गया। इस वीडियो में वही बात करते हैं कि फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप आना शुरू हो गया, किस किस की बची हुई है कमेंट पढ़ेंगे। बाकी चलिए दूसरा आपको मैं दिखा देता हूँ कि दूसरा कमेंट क्या है। दूसरा कमेंट ये है कि भाई विपिन कुमार श्रीवास्तव बोलते हैं आज भी है, आज आई है पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर की। ये देखिए 4 घंटे पहले, मतलब मैंने सुबह 5 बजे उठा था, तो 1 बजे के करीब जो है विपिन कुमार श्रीवास्तव जी ने लिखा है कि आज आ गई है फर्स्ट ईयर पॉलिटेक्निक की। अगर आपकी भी आ गई है तो आप लिख दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और भाई मैं आपको बता दूं आज की जो न्यूज़ है, वो न्यूज़ जो है आज ये आई है कि आज जैसे होली है, तो भाई होली पे आज के दिन तो शायद बैंक बंद रहेंगे, तो शायद किसी की स्कॉलरशिप ना आए, पर पीएफएमएस पर भी अपडेट जो है आ जाएंगे। जैसे कल भी पीएफएमएस पर शो हुई थी स्कॉलरशिप, जैसे ये भाई बता रहे हैं इनकी भी स्कॉलरशिप जो है कल ही पीएफएमएस पर शो हुई थी, तो आपकी भी आज शो हो सकती है। बाकी आज मैं 1-2 वीडियो और बनाऊंगा, उनमें आपको बताऊंगा कि किस किस तरीके से स्कॉलरशिप जो है वो आ रही है। तो एक वीडियो तो अभी जो आप देख रहे हैं, एक वीडियो पूरे 12 बजे, एग्जैक्ट 12 बजे जो है नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी। तो चलिए बात कर लेते हैं कुछ और कॉमेंट्स के बारे में। तो कुछ लोग, हाँ सबसे पहले जो दिक्कत आ रही थी, जो परेशानी सबके साथ आ रही थी कि उनका DWO से वेरीफाई हो गया है, आपका भी जैसे DWO से वेरीफाई हो गया है, तो स्कॉलरशिप कब तक आएगी? देखिए मैं आपको बता दूं कि स्कॉलरशिप आती है वर्किंग डेज में, जब भी वर्किंग डेज होगा, बैंक खुलेगा, जब ही आपकी स्कॉलरशिप या कोई भी ऑफिशियल काम जो होता है वो उसी दिन होता है जब वर्किंग डेज होते हैं। जैसे अब हुआ, तो अब कोई चांस ऐसा है कि भाई अपडेट हो रहा है, वरना वर्किंग डेज में ही अपडेट होता है। बात करते हैं कि प्रिया तिवारी लिखती हैं कि 2 साल से फॉर्म भर रही हूँ लेकिन अभी तक नहीं आया, बस वेरीफाई किया जाता है। आपको मैं बता दूं कि हर साल हर बच्चों की स्कॉलरशिप आती है, आप अगर वेरीफाई भी आपका हो रहा है तो आप अपने परसेंटेज के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आप अगले साल भी, मतलब अगर आपका लंबा कोर्स है, बीटेक वगैरह है, 4 साल का अगर कोर्स है, तो आप नंबर अपने 60% या 65% से ऊपर रखिए, आपकी स्कॉलरशिप 100% आएगी। एक भाई पूछ रहे हैं कि भाई 54% मेरे मार्क्स हैं, मेरी भी स्कॉलरशिप आएगी क्या? देखिए मैं आपको बता दूं और साफ साफ एक बात बता दूं कि 60%, मैं ऐसे लपेटने वाली बात कुछ नहीं है, 60% से नीचे 0% क्या 1 या 2% चांस होते हैं कि किसी की स्कॉलरशिप आ जाए, वरना 60% तक ही इतने करोड़ों बच्चे आते हैं, उनको ही स्कॉलरशिप देने में फंड जो है वो लगभग ख़त्म हो जाता है। दूसरी इंस्टॉलमेंट कब आएगी किसी की, 10th 12th वालों की, 9th वालों की स्कॉलरशिप के बारे में बता दूं, तो मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने एक लड़के से आपको मिलाया था जिसने कहा था कि भाई मेरी स्कॉलरशिप जो है वो आ गई है। उस वीडियो को मैं इस वीडियो में भी लास्ट में डाल दूंगा ताकि आपको पता चले कि 9th क्लास वाले बच्चों की भी स्कॉलरशिप आ रही है। उस भाई ने अपना बता दिया है, 9th 11th 12th जो प्री मैट्रिक है उन सब की स्कॉलरशिप भी आ रही है। तो अभी जैसे आपने कमेंट देखा, मैंने शुरू में ही दिखाया आपको, तो ये कोई भाई कमेंट कर देते कि आज भी पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर वालों की स्कॉलरशिप जो है आ रही है। बेझिझक आप निश्चिंत रहिए, जितने भी मेरे भाई फर्स्ट ईयर से बिलोंग करते हैं, वो चाहे BEd हो, DLed हो या कोई भी हो, अगर फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप आना शुरू हो गई है तो सरकार ये नहीं देखती कि BEd को देनी है या किसको देनी है। जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको शॉर्टलिस्ट करती है ईयर वाइज, पहले आपको फाइनल ईयर को दी जाएगी, उसके बाद भाई थर्ड ईयर को दी जाएगी, उसके बाद सेकंड ईयर को दी जाएगी, उसके बाद फर्स्ट ईयर को दी जाएगी। ऐसा भी होता है कि सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर की दोनों की एक साथ आ जाए। ये मैं आपको बीटेक की बात कर रहा हूं क्योंकि मैं बीटेक फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूं कंप्यूटर साइंस का। अभी फर्स्ट ईयर में भी स्कॉलरशिप आती है, सेकंड ईयर में भी स्कॉलरशिप आती है। कहां दिक्कत होती है वो मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में कि आपको क्या दिक्कत जो है वो नहीं करनी होती। चलो अब तो कोई फायदा नहीं है इस बात को बताने का क्योंकि अब तो हो गया है। सर मैं 11th क्लास में हूं, शैलेंद्र कुमार पूछते हैं, मैं 11th क्लास में पढ़ता हूँ। तो सर आपकी बिल्कुल आएगी अगर आप 11th क्लास में पढ़ते हो और DWO से वेरीफाई हो गया है पर PFMS पर नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है। जैसे कि मैं हर वीडियो में वो आपको बोलता हूँ कि आप प्लीज़ वर्किंग डेज में चेक किया करें और आप एक बार और चेक कर लें क्योंकि कल भी बहुत सी स्कॉलरशिप जो है अपडेट हुई है। आपके सामने मैं लाइव रिकॉर्ड जो है वो दिखा सकता हूँ क्योंकि जितने भी मैं कमेंट पढ़ पाता हूँ पूरे दिन में, क्योंकि मेरा भी काम होता है, मैं बीटेक का हूँ तो भाई मुझे भी पढ़ना रहता है अपना, तो उसका भी देखते हुए आपके जितने कमेंट में पढ़ता हूँ। क्वेश्चन आता है भाई ब्रजेश मिश्रा, ये कहते हैं सर UP स्कॉलरशिप BEd फर्स्ट ईयर है और जनरल कैटेगरी है और DWO वेरीफाई भी हो गया है,
6/3/2021 को प्लीज बताइए सर। देखिए ऐसा है कि ब्रजेश जी स्कॉलरशिप फर्स्ट ईयर की आना शुरू हो गई है, ये बात आप बिल्कुल गांठ बांध के रख लें कि बिल्कुल बांध लें कि स्कॉलरशिप आपकी 100% आएगी अगर DWO से वेरीफाई है तो। अगर कोई सस्पेक्ट आपका नहीं है या फंड अगर बचता है तो सब कुछ सबको जितने भी है स्कॉलरशिप मिलेगी। और भाई फंड लगभग जो है बचा हुआ है, मतलब आधे बच्चों की चली गई तो कुछ फंड बचा हुआ है जिससे सबकी पूर्ति हो सकती है। तो इस वीडियो को बस यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर। अगली वीडियो में भी क्वेश्चन आंसर जो है वो सारे लूंगा मैं। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कुछ और भी सवाल है तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपका रिप्लाई जो है वो कर दूंगा। बाय बाय। मैं आप लोगों को एक अपडेट देना चाहता हूं कि मैं क्लास 11 में पढ़ता हूं। मेरा नाम उदय सिंह है, मैं जनरल कैटेगरी से आता हूं। मेरा PFMS में स्कॉलरशिप शो हो रहा है, 3225 रुपए आया हुआ है लेकिन अभी तक मेरे अकाउंट में नहीं आया हुआ है। और मेरी बात मेरे भैया से भी हुई थी जिन्होंने मुझे बताया कि आपकी स्कॉलरशिप आएगी क्योंकि मेरा PFMS में शो हो रहा है। और मेरे एक फ्रेंड लोकेश तिवारी जी का भी PFMS में शो हो रहा है और मेरे कुछ दोस्त हैं जिनका PFMS में भी शो नहीं हो रहा। अब इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप 15 अप्रैल तक वेट कर सकते हो और 15 अप्रैल तक मुझे पूरा विश्वास है कि सबकी स्कॉलरशिप आएगी। इसीलिए 15 अप्रैल तक वेट करो और 11/12 की यही सबसे बड़ी अपडेट है। और मैं आपको अपना PDF अकाउंट भी भेज दूंगा।